रिलीजियस और रिचुअल फंक्शन अगर हो तो उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणियां या कोई वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। पर नूह और मेवात में जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो मुसलमानों ने मस्जिद के छत से ईटा पत्थर और बम बारूद फेंकना स्टार्ट किया था। अब बात ऐसी है ना कि हम हमेशा बचपन से कहावत एक सुनते आए हैं फकर भाई कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, पर पाकिस्तानियों का कुछ ऐसा है कि बोलेंगे पाकिस्तानी, सोचना समझना भारतीयों को पड़ेगा कि उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्रैकर्स जो है ये एक खुशी का माहौल है। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या रिटर्न आए थे, वापस आए थे, तो उनकी खुशी में दीप जला करके, पटाखे फोड़ करके और मिठाइयों को मिठाइयां बांट करके और खिला करके ये खुशी मनाई गई थी। और वाकई में इस खुशी को मनाना चाहिए। इस बार तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, नहीं तो सबसे ज्यादा क्रैकर्स तो मैं फोड़ती हूँ। लेकिन उस क्रैकर्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिन क्रैकर्स की अनुमति दी है उसी क्रैकर्स को फोड़ा जाता है, उसी पटाखे को फोड़ा जाता है। अच्छा। पाकिस्तान की तरह बड़ा बड़ा बम बारूद नहीं फोड़ा जाता है। जैसे हम अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में सुन लेते हैं कि अरे यहाँ पर मस्जिदें फूट गई, वहां पर करबला फूट गया, वहां पर इमामबाड़े फूट गए, वहां पर मंदिरें टूट गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात आती है कि सिर्फ भारत ने नहीं, जिस ब्रिटिश और ब्रिटेन के अंग्रेजों से भारत कई साल जंगे लड़ा और देश को आजाद किया, आज उस ब्रिटिश के ऋषि सोनक जी ने भी दिवाली मनाई, अपने घर के दरवाजे को खोलकर दीप जलाया। जो बिडेन जी ने अपने घर में दिवाली मनाई, सऊदी अरबिया ने दिवाली मनाई, बुर्ज खलीफा पे हैप्पी दिवाली का लाइट अप किया गया, दुबई ने दिवाली मनाई, उसके बाद जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसमें से कई 9 मुस्लिम ममालिक ने दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाया है। और न्यूज में आया है, मेरे पास उसके तथ्य, मैं हमेशा तथ्य और सत्य के आधार पर बात करती हूँ, हवाबाजी पे बात करना मुझे पसंद नहीं है। कई ऐसे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं और खास करके UAE जहाँ पर पूरा पूरा जश्न मनाया गया है, पूरा मतलब लाउड स्पीकर लगा करके पूरा भगवद गीता और हनुमान चालीसा पढ़े गए हैं। तो दिवाली अब सिर्फ भारत का फेस्टिवल नहीं रह गया है, दिवाली इस पूरे विश्व, इस पूरी दुनिया का, एक्सेप्ट पाकिस्तान, मैं उसको हटा ही देती हूँ, इस पूरे विश्व, इस पूरी दुनिया का फेस्टिवल हो गया है। 4 दिन की छुट्टियां मिल गई है, ये पूरी दुनिया जो है, अमेरिका बोलिए, UAE बोलिए, सारे लोगों ने, ब्रिटेन बोलिए, सबने 4 दिन की दिवाली की छुट्टी दे डाली थी। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स की अनुमति नहीं दी थी, नहीं ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्रैकर्स की अनुमति नहीं दी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बड़े छोटे की मैं बात ही नहीं कर रहा, यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट नाजिया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों दी थी, एक लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाजमी सी बात है कि खुशी का एक दिन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि देखिए पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन तो गाड़ियों से भी होता है, फैक्ट्रीज से भी होता है, और सब चीजें पोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ देखिए ना फकर भाई, दिया मिर्जा को जिंदगी में कोई अच्छी फिल्म तो बना नहीं पाई, वुमेन एम्पावरमेंट को वो कभी जागरूक तो कर नहीं पाई। मेरे ही भारत में दिया मिर्जा एक्ट्रेस जो है, उन्होंने बड़ा लंबा लंबा लंतरानी भांजा कि हम धनतेरस में तोहफे क्यों देते हैं, और 2 दिन के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपनी माँ के बर्थडे में मैं तोहफा दे रही हूँ। भैया क्यों दे रही हो फिर? त्योहार क्या होता है? एक दूसरे में खुशियां बांटना होता है, एक दूसरे के साथ खुश होना होता है, एक दूसरे के गले मिलना होता है। अब पॉल्यूशन की अगर बात आती है तो जो लोग स्मोक करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो अगर छोटी छोटी चीजें अगर पकड़ ली जाए और उसी को कंट्रोल किया जाए तो पॉल्यूशन, देखिए दिवाली तो साल में एक बार ही मनाई जा रही है ना, और एक दिन के लिए मनाई जा रही है, पर ये जो गाड़ियां हम एक एक घर में 8-8, 9-9 गाड़ियां और एक साथ जो घर से निकलती हैं उसके बारे में बात कर ली जाए। अब जो लोग जो हैं ये बात पे टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैंने बताया ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 29 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के बारे में भी बात की है, तो उसको भी वॉयलेट किया जा रहा है। तो त्योहार एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए और खुश होना चाहिए उनके साथ जो वाकई में खुश है। और दिवाली इतना खूबसूरत त्योहार है, इतना खूबसूरत त्योहार है जो जिंदगी में दीप जलाता है, बुराई के ऊपर सच्चाई की, अच्छाई की जीत होती है,
हमारे जिंदगी को रोशन करता है। हमारे घर के बाहर जब दीप जलता है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि रोशन रोशन करना होता है इस पूरी जिंदगी को। हम बुरी चीजों को छोड़ करके अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़े, हम बुरी बातों को छोड़ करके अच्छी बातों की तरफ आगे बढ़े। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने खूबसूरत त्योहार में किसी को भी कोई अभद्र टिप्पणियां करनी चाहिए। मैं तो बड़े धूमधाम से दिवाली मनाती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और यकीनन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। और यहाँ लास्ट ईयर तो फकर भाई, मैं तो आपको भाई की तरह मानती हूँ, लास्ट ईयर फकर भाई मैंने 14,000 दिए जलाए थे, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम आए थे अयोध्या। पर इस बार ये कमबख्त मेरी तबीयत की वजह से मेरे में ऑपरेशन इमीडिएट, अलग चीज है हेल्थ इज अ वेल्थ। और लेकिन मैंने 11,000 दिए जलाए हैं, 11,000 मैंने दिए जलाए हैं और मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब लास्ट 3 ईयर से मतलब आई सेलिब्रेटिंग द दिवाली विद द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, और बड़ा अच्छा फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया होता है, बड़ा मजा आता है। और जो इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग है, जैसे ही आप इंटर होते हैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, तो उसके ऊपर बड़ा सा दिया लाइट्स के साथ बना हुआ है, और जब आप इंटर होते हैं तो अंदर भी बड़ा खूबसूरत। आप भारत कभी आएंगे ना तो मैं आपको फकर भाई कहूंगी कि दिवाली के मौके पे आइए या दुर्गा पूजा के मौके पर आइए, जरूर मैं आपको दिखाऊंगी। आपको ऐसा लगेगा ना कि आप लॉस एंजलिस आ चुके हैं, पहले आ गए हैं। इतनी लाइटिंग, इतनी खूबसूरती, इतना रज गज, इतना रोशन, मतलब एक एक सोया हुआ इंसान भी सोचेगा ना कि नहीं अभी अपने सारे दुख तकलीफ को भूल जाना है, और जो भारत में दुर्गा पूजा और दिवाली मनाई जा रही है मुझे उसमें पार्टिसिपेट तो करना ही करना है। तो बहुत खूबसूरत त्यौहार है, बहुत खूबसूरत। और मुझे नहीं लगता है कि इस ऐसे त्यौहार में किसी भी अभद्र टिप्पणियों की कोई जरूरत है, और ऐसे शैतानी दिमाग के डायबॉलिक माइंड के लोगों को ना सुनना ज्यादा बेहतर होता है। सही सही। अच्छा, जैसे कहते हैं नाजिया, मतलब आप लॉयर हैं, कोर्ट को इस तरह की चीजों में क्यों इंटरफेरेंस करती हैं? मतलब इफ द पीपल आर इंटरेस्टिंग टू सेलिब्रेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि लाजमी सी बात है रोज तो नहीं होती ना, दिवाली है या कोई और ऐसे इवेंट्स होते हैं कि वो रोज नहीं होते, वो साल में एक आध दफा आते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं जी हमने ये इस तरीके से सेलिब्रेट करना, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह की लाइटिंग करनी है या जो भी कुछ है, तो क्यों ये मतलब कोर्ट क्यों इस तरीके की चीजों में इंटरफेरेंस करती है? कुछ आप एज ए लॉयर आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। जी जी प्लीज। डिटेल में मैं ऐसे बताऊंगी कि एक इंसान होता है जो बहुत सजल होता है। Okay. हर धर्म में हर तरीके के लोग होते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि नहीं एक धर्म है जिसमें सारे के सारे बहुत सिविलाइज्ड ही लोग हैं, और एक धर्म है जिसमें सारे के सारे बहुत आतंकी लोग ही हैं, ऐसा नहीं है। हर धर्म में कुछ ना कुछ अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं। अब जैसे एनिमल क्रुएल्टी एक्ट सेक्शन 29 के तहत क्यों लाया गया, क्योंकि कुछ लोग भारत में क्या करते थे, क्योंकि जैसे कुर्बानी होती थी तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग कर करके उसको लाइव टेलीकास्ट कर देते थे अपने फेसबुक के द्वारा, जो गलत होता था, दूसरे धर्मों को तकलीफ होती थी। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ महिलाएं होते हैं जो नाजुक होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो कुर्बानी जैसी चीज और वैसे खून वून जैसी चीजें वो नहीं देख पाते हैं। और किसी एक धर्म को ये अनुमति भी नहीं देता है कि वो जिसको माता बोलते हैं उसको उसको वो उस हालत में देखे। उसी तरीके से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पटाखे के दिवाली के आड़ में बड़े बड़े पटाखे फोड़ना और कुछ अभद्र तरीके से पटाखे फोड़ते थे, जिससे साउंड वायलेशन होता था, पॉल्यूशन वायलेशन होता था, तब उसमें जाकर के इसमें इंटरफेयर किया गया और सुप्रीम कोर्ट को एक जनहित याचिका दायर की गई। और उस जनहित याचिका में ये कहा गया कि ऐसी कोई स्टेप्स ना लिए जाए जिससे किसी को भी कोई भी नुकसान हो या किसी की भी शांति में, सुकून में कोई प्रॉब्लम हो। अब होता क्या है, मान लीजिए जैसे हमेशा भारत में ईद और बकरीद के वक्त में कोई ना कोई गवर्नमेंट का एग्जाम हो जाता है, तो अब वैसे मौके पर हमारे भारत में ईद और बकरीद में रमजान तक तो बड़ी शांति रहती है, और जैसे ही ईद आता है मुन्नी बदनाम, चिकनी चमेली का गाना बजने लगता है चांद रात के दिन से ही भारत में। सही। अब वैसे में जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है,
अब वो जाकर के अगर कहेंगे तो झगड़ा रखा हुआ, वैसे भी मुसलमानों से तो मुंह से लड़ाई हो नहीं सकती है, बम गोला बारूद से ही लड़ाई होती है, मुसलमान आपस में भी बम गोला बारूद से ही लड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को सामने रख करके जनहित याचिका दायर करी जाती है और कोर्ट को बताया जाता है कि हम जब आगे बढ़कर बात करते हैं तो वो लड़ाई का रूप ले लेता है। इट्स बेटर कि आप एक कानून लेकर आए कि सिविलाइज तरीके से हर एक त्यौहार को मनाया जाए। तो इस भारत में जितने भी सनातनी है वो दिवाली को बहुत सिविलाइज तरीके से अब मनाते हैं, लेकिन जहां तक सेक्शन 29 एनिमल क्रुएल्टी एक्ट की है वो मुसलमान उसको मानते नहीं है। भारत के मुसलमान संविधान बिल्कुल नहीं मानते हैं और इस बात को बड़े से बड़े चैनल पर बैठ करके मौलाना अरशद मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि भारत के मुसलमान संविधान नहीं मानेंगे और वो नहीं मानते हैं। अच्छा सही सही। अच्छा खैर मेरे ख्याल में अगर किसी भी कंट्री में कोई भी लोग रहते हैं तो वहाँ के लॉज को और मानना बड़ा जरूरी है और वो भी बैलेंस अप के लिए लॉस हो। मतलब पाकिस्तान में हम ये कहते हैं कि यार मतलब जैसे कहते हैं अमीर के लिए अलग अलग लॉस। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो एक जैसे होने चाहिए, बड़ी बड़ी जरूरी है। तो तब जब रूल ऑफ लॉ होता है तो उससे फायदा। 2023 में ही ना ऑर्गन ट्रैफिकिंग पकड़ाया था, अक्टूबर 2023 में ही तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके यहाँ पकड़ाया था, जिसमें कुछ ऑफिसर और कुछ नेता भी पकड़ाए पाकिस्तान के, 2023 की बात है। अच्छा कौन से किस आप उसकी बात करें इंसिडेंट की? मैं उसी पर रिसर्च भी कर रही थी आज। नहीं नहीं यही मेरा सब्जेक्ट है कॉन्क्लेव का। नो आई एम आस्किंग कि वो कौन से इंसिडेंट की आप बात कर रही है 2023 में, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग दैट टुक किडनीज फ्रॉम हंड्रेड्स। ओके किडनीज का, हाँ बिल्कुल किडनीज का। अनफॉर्चुनेटली पिंडी में, फैसलाबाद में, लाहौर में, ये 2 अक्टूबर 2023 को ये भांडा फूटा था आपके यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बिल्कुल ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का वो है और ये साउथर्न पंजाब और यहाँ से लोगों को बुलाया जाता है। बुरा लगा मुझे पैसे पैसे देकर। नहीं बुरा लगना, नहीं बुरा लगना चाहिए हम सबको, बुरा लगना चाहिए इस्लामिक नहीं फकर भैया, इस्लामिक देश कुरान मानने वाला, सुन्नत रसूल मानने वाला, अगर ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहा है तो मेरी बात सुने। खैर ये वाली बात है, अगर हम ये रिलीजन से, मैं थोड़ा सा साइड पे करके मैं बात करता हूँ और बड़े रिलीजियस कंट्रीज हैं और बहुत कुछ वहां पे पुट्टा चलता है, वो उसकी वजह ये नहीं है। हमारा जिसे कहते हैं ना, जब आपका रूल ऑफ लॉ होगा ना फिर आपकी सारी चीजें सही होंगी। आप बेशक मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, आप सिखिज्म को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जीविज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ होगा फिर भारत 9 साल में बहुत खूबसूरत हुआ, क्योंकि हमारे कानून बहुत सख्त होता चला गया। इसका ताल्लुक किसी चीज, मैं कहता हूँ इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, हमारे इन सोसाइटी के इन चीजों से है कि हमने इसको खराब करके रखना, ठीक नहीं करना। वो रिलीजन हमें थोड़ी कहते हैं कि आप किसी के किडनीज निकाल के और उस बेचारे को ऐसे वो कर दे, गरीब किसी उसको, मेल को या फीमेल को, अनफॉर्चुनेट है ये चीज। नहीं फकर भाई, आपके यहाँ मौलाना तारिक मसूद और मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील, ये दो लोगों ने पूरे पाकिस्तान के माहौल को पूरा गंदा, अभद्र, अश्लील करके रख दिया है। सही। खैर वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनके हवाले से, क्योंकि मैं दोनों को नहीं सुनता, दोनों के आपने नाम लिए और दोनों को मैं नहीं सुनता, मैं आपको बिल्कुल सही बता दूं। लेकिन थोड़ा सा नाजिया आते हैं फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रजाक के स्टेटमेंट के हवाले से, जो ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से उनके जो रिमार्क्स थे, थोड़ा सा मतलब आप खुद फीमेल है, वर्किंग फीमेल है, जॉब वो करती है, लॉ प्रैक्टिस करती है कोर्ट्स में, मतलब उस हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो एज ए मेल इसको किसी सूरत मतलब ना सपोर्ट करता हूँ, ना कर सकता हूँ, ना करना चाहिए। बेशक मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप इसको किस तरीके से देख रही इस चीज को? जो अब्दुल रजाक ने बोला, जी 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 जी, बहुत ही अश्लील, ओछी, छिछोरी, और शायद और भी 2-4 वर्ड मैं बोलना चाहूंगी लेकिन ना बोलना सही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पेशे से वकील हूँ और एक एथिक्स एटिकेट
को बैरिकेड के अंदर रहना ज्यादा सही होता है, मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन गटर छाप और मदरसा छाप की जो हरकत उन्होंने अपने अश्लील भाषा के प्रति, जो उन्होंने एक मशहूर अदाकारा के साथ साथ एक माँ बहू और बेटी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान को उनको खड़े हो करके उनके मुंह पर तमाचा रसीद करना चाहिए कि आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में किस हकूक और किस हक से डाला कि आप किसी एक मशहूर मिस वर्ल्ड अदाकारा, एक माँ, एक बेटी की माँ, एक बहू और एक बेटी के खिलाफ में आप इतनी ओछी और छिछोरी और अभद्र और अश्लील भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना फकर भाई कि जब मेरा एक एग्जाम खराब जाता है ना, तो मैं दूसरे एग्जाम, उसी एग्जाम को दोबारा देने के लिए या दूसरे एग्जाम के लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी और बेहतर करती हूँ, मैं उसमें और फोकस करती हूँ, मैं उसमें और बेटर प्लान करती हूँ। और 2024 के टी20 होने वाले इवेंट में जिस तरह से अब्दुल रज्जाक ने बेटर स्ट्रैटेजी के बजाय, बेटर प्रदर्शन के बजाय, क्योंकि आपके जितने भी टीम वाले ने आकर, वो तो खेले नहीं थे, वो उसको खेल नहीं कहा जाता है, वो जो आए थे ओडीआई वर्ल्ड कप में उसको खेल कहा ही नहीं जाता है, ना जाने क्यों आ गए थे, शॉपिंग करने आए थे, पाकाकशी से आए थे, यहाँ खूब शॉपिंग किया है, धड़ल्ले से शॉपिंग किया है, और अभी जिस वक्त फकर भाई मैं जिस स्टेट में बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल में, यही के साउथ सिटी मॉल से करोड़ों रुपए की शॉपिंग करके गए हैं, ठीक है। तो बेटर स्ट्रेटेजी के बजाय अभद्र भाषा ऐश्वर्या राय के ऊपर, क्या ऐश्वर्या राय ने अब्दुल रज्जाक के ऊपर एक भी टिप्पणियां की? नहीं करेंगी, क्योंकि वो इतने ऊंचे मुकाम पर हैं, इतने ऊंचे मुकाम पर हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है इतने 54-58 लोगों का जवाब देने का। लेकिन मर्द अपनी मर्दानगी में रहे, एक रिश्तों की और एक जुबान की मर्यादा के अंदर रहे, तभी उस मर्द की इज्जत हो सकती है, अदरवाइज उस मर्द को नामर्द ही बोला जाएगा और कुछ भी नहीं बोला जाएगा। और अब्दुल रज्जाक के साथ साथ मुझे और भी ज्यादा गुस्सा शाहिद आफरीदी पर है। जी, सही। गधे हैं क्या जो जोक को बाद में समझ में आता है या बातें बाद में समझ में आती हैं? बचपन में जब हम कोई बात सुनते थे और समझ में नहीं आता था और 2 घंटे के बाद बोलते थे कि अच्छा ये बोला, तो आपस के दोस्त बोलते थे गधी हो क्या जो बाद में समझ में आता है। और सेम शाहिद आफरीदी ने वही काम किया कि मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि अब्दुल रज़ाक ने बोला क्या, सब ताली बजा रहे थे, मैंने भी बजा दिया। अरे तुम नाती नवासे वाले, पोता पोती वाले, बहू बहू दामाद वाले, तुम ज़ईफ़ आदमी, तुमको नहीं समझ में आया कि अब्दुल रज़ाक ने एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं, एक महिला के ऊपर उन्होंने डिफेमेटरी और डेरोगेटरी स्टेटमेंट और मलाइंग स्टेटमेंट दिया, क्या आपको समझ में नहीं आया? शाहिद अफरीदी के बहुत सारे कारनामे और करतूत भारत को ऑलरेडी पता है, जब वो जवानी में भारत में आकर के गुल खिलाया करते थे और गुल खिलाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन बुढ़ापे में भी इतने बदतमीज है शाहिद अफरीदी, ये इस बात का सबूत उन्होंने बैठ करके ताली बजा करके दे दिया। बड़ा बुरा लगा मुझे। अब्दुल रज्जाक तो वाकई में उन्होंने साबित किया है कि वो गटर छापी है, मदरसा छापी है, साथ साथ मुझे अजीब सा लगा आपके उनके लिए भी एक और है दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका, भूल रही हूँ मैं, इंजमामुल हक, उनकी भी बात किए बिना मैं फकर भाई हटूंगी नहीं आपके चैनल से। जरूर, इंजमामुल हक, अरे कौन सा सस्ता नशा करते हैं, कौन सा सस्ता नशा करते हैं, समझ में नहीं आता है जी। मतलब इंजेक्शन वाला के सूंघने वाला के चाटने वाला कौन सा सस्ता नशा करते हैं? हरभजन सिंह के लिए जो प्रो इंडियन है, जो सिख कमेटी पे अपने अपने ऊपर और पूरी सिख कमेटी हरभजन जी के ऊपर प्राउड फील करती है, जिसने हमेशा भारत के झंडे को पूरे ग्राउंड में लहराते थे हरभजन, जबकि सचिन तेंदुलकर जी हंसते भी थे कि ये अकेले लहरा रहा है पूरा अकेला, तो उनके लिए उन्होंने कह दिया
क्या तारिक जमील नमाज पढ़ाते थे तो हरभजन कह देता था कि हमको भी लगता है कि मैं धर्म परिवर्तन कर दूं। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पूर्व खिलाड़ी हो, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कप्तान रह चुके हो, इज्जत मिली थी तुमको भारत में, लोगों ने इज्जत मान मर्तबा दिया था भारत में, अभी भी बाबर आजम आया उसको बहुत इज्जत मिली, बहुत मान मर्यादा मिला, आप लोग तो अपनी मान मर्यादा को खुद अपने मुंह में चप्पल मरवा रहे हो, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं खेल पाया, नहीं प्रदर्शन कर पाया, चला गया, हमने कुछ नहीं बोला, पर आप पूर्व खिलाड़ी हो करके आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हो, आप एक मशहूर अदाकारा और एक महिला के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, आप पूर्व खिलाड़ी हो या आप किसी चकला या प्रोस्टिट्यूट एरिया के दलाल हो आप लोग? आप लोगों ने अपनी अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मर्तबा को ऐसा मिट्टी में मिलाया है ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने, जो अब शायद कभी भी भारत तो इज्जत नहीं दे पाएगा, कभी भी भारत इज्जत फकर भाई नहीं दे पाएगा। ये दोनों खिलाड़ियों ने बहुत वाहियात बात की है। मैंने पहले भी कहा था कि शोएब अख्तर ने बहुत अभद्र भाषा और स्टेटमेंट दिया है कि मैं तो सचिन तेंदुलकर को ऐसा बॉल मार रहा था कि उसके सर पे लगना चाहिए था लेकिन वो मरा नहीं। मुझे वो बात भी बहुत बुरी लगी थी कि शोएब अख्तर ने, अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज, जानती हूँ पाकिस्तान का है जिहादी एक्टिविटीज रहेगी दिमाग में और दिल में, अगर ये जिहादी एक्टिविटीज तुमने किया भी था तो तुम इतने प्राउडली तुम कैसे कह रहे हो टीवी पर आकर के, और तुम सबके सामने कह रहे हो कि मैंने तो इंटेंशनली सचिन तेंदुलकर के ऊपर वो बॉल मारा था कि वो मर जाए लेकिन वो मरा नहीं। छी छी छी, शेम ऑन, शेम ऑन, शर्म आनी चाहिए। खैर जहां तक बात है जिहादी माइंड सेट की, तो शोएब अख्तर को तो खैर मैंने बहुत सारी पार्टीज में इस्लामाबाद के अंदर देखा है, वो जाते रहते हैं, वो तो नहीं है। बट जो गलत है वो गलत है, किसी का जो भी रिलीजन है, जो भी उसको फॉलो करना चाहता है अपनी मर्जी से, उसको मेरे ख्याल में अलाव करना चाहिए कि उसको फॉलो करे। कोई सिख है उसको अगर सिखिज्म में रहना है, हिंदुइज्म में रहना है या क्रिश्चियनिटी में, एक महीना फखर भाई आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ रहे, क्या किसी ने कहा कि आप हिंदू धर्म इख्तियार कर लो? नहीं, किसी ने नहीं कहा। ये बिल्कुल आपकी बात 100% नाजिया सही है और बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर किसी काम के लिए, लेट सपोज मैं क्रिकेट खेलने के लिए अगर हिंदुस्तान जाता हूँ या किसी भी कंट्री में जाता हूँ, तो मुझे वहां पे एज अ प्लेयर जाके अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, ना कि मैं कहूं कि यार मैं तो यहाँ पे आया हूँ लोगों को तबलीग करने के लिए, आऊं कि कौन मुस्लिम बने, कौन क्रिश्चियन बने, कौन क्या है, ये तमाशा है। एग्जैक्टली, आप जो है भाई आप वो रहे, बाकियों को अपनी जिंदगी जीने दे अपने तरीके से, जो जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं उसको जीने दे। वो मेरा काम नहीं है भाई कि मैं जाके कहूं कि यार मैंने तो हरभजन साहब को ये बनवाना था और मैंने धोनी को जो है वो करना था और मैंने सचिन तेंदुलकर साहब को वो करना था, क्यों? नॉट माय बिजनेस भाई, मेरा काम है क्रिकेट खेलना। अगर मैं कोई प्लेयर हूं तो मुझे क्रिकेट खेलना, इस्लाम कबूल कर लो, तुम बहुत अच्छा खेलोगे, क्या है भाई ये? हर जगह तुम तबलीग स्टार्ट कर देते हो, हर जगह तुम इस्लाम का प्रचार स्टार्ट कर देते हो। देखिए नाजिया, मतलब क्रिकेट छोड़कर ना फिर यही करते रहे, हम ये नहीं कहते। मैं अपने अभी वाले प्लेयर्स को भी यही कहता हूं कि अगर आपको इस तरह की कोई चीजें करनी है तो भाई आप क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। आपका जो भी सिस्टम है, जो भी तरीका आप करें, हम आपको नहीं रोकते कि आप करें, लेकिन आप भी दो चार यूट्यूब चैनल तारिक मसूद की तरह बना लो और उसके बाद फिर माइक लगा करके आप अपना तबलीग करते रहो इस्लाम का। किसने मना किया? बिल्कुल, आप 100 मतलब जैसे कहते हैं 24/7 आप फिर यही काम करें भाई, क्रिकेट को छोड़ दें। क्रिकेट में जब आप है तो हमें आपकी क्रिकेट चाहिए। मुझे विराट कोहली पसंद है, मुझे विराट कोहली के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, वो मेरा फेवरेट इसलिए कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, एज ए ह्यूमन बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। मुझे रोहित शर्मा पसंद है, मुझे उसके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं कि यार वो हिंदू है, सिख है, कि वो क्रिश्चियन है। नो, लास्ट में फखर आजम ने, फखर आजम ने अच्छा खेला, हम सबने तारीफ की कि फखर आजम पर फखर होना चाहिए पाकिस्तान को, हम सबने तारीफ की। ये बड़ी एक जरूरी चीज है और मेरे ख्याल ये हमें समझने की, और मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB जो है, उनके जो भी अरबाब इख्तियार है उनको इस चीज पे अब काम करना बहुत जरूरी है, उनको काम करना चाहिए। और अपने जितने भी यंगस्टर्स हमारे प्लेयर्स आते हैं उनको कहना चाहिए बेटा आपका काम है क्रिकेट खेलना, ये बाकी चोंचले आपका काम नहीं है, ये आप छोड़ दें,
ये जिसका काम है ये रिटायरमेंट के बाद आप जो मर्जी करते रहे, हम आपको नहीं रोकेंगे। यूनुस खान साहब कहते हैं कि फिशिंग करते हैं, उनको बड़ा पसंद है। मैंने कभी उनके हवाले से कोई और चीज नहीं सुनी, उसको फिशिंग पसंद है, अपनी एक्सरसाइज, और वो उसी में मस्त रहते हैं, बस जबरदस्त किस्म के बंदे। बाकी लोग हैं, आप भाई लोगों को गए हुए क्या, आपकी मेनस्ट्रीम मीडिया को भी फकर भाई ऐसे ओछे और छिछोरे पूर्व खिलाड़ियों को बैठाना नहीं चाहिए कैमरा के सामने, गलत है। इसके ऊपर डाजिया एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बाकायदा अगर आप बीबीसी के आर्टिकल आज वाला पढ़े तो अब्दुल रजाक के हवाले से ये कहा गया है कि आप इसको टीवी पे ना बिठाए कोई चैनल, बाकायदा लोगों ने कहा आज। और मुझे इस बात की कम अज कम इस बात की मुझे खुशी हुई है, उसके स्टेटमेंट का मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और इत्तेफाक है कि एक डेढ़ महीना पहले मेरी इस वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले इत्तेफाक कराची में एक विजिट पे था और वहीं पे मेरे साथ सेम होटल में ये ठहरे हुए थे, तो मेरी इनसे और एक और साहब से मुलाकात हुई थी इत्तेफाक है, और मुझे बड़ा आपने उनसे कुछ सीखा नहीं छोरा हरकत वो सारे, क्योंकि वो ओवर 40 जो वर्ल्ड कप था उसी होटल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी ठहरे हुए थे मेरे साथ सेम फ्लोर पे थे वो लोग। तो मतलब ये कहने का ये है कि भाई आप अपना काम करें, बजाय इसके कि आपको अपनी अगर कोई बात करनी है, किसी को क्रिटिसाइज भी करना है, तो उसमें किसी फीमेल को ले आकर उसको डिसग्रेस या उसको डिग्रेड ना करें। ये मेरे ख्याल सबको सोचना पड़ेगा, किसी को भी नहीं कर सकते आप, किसी फीमेल को या कोई और हो, फीमेल को नहीं कर सकते, किसी बच्चे को नहीं कर सकते। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी को मलाइन और डिफेंड करें। नाजिया किसी को राइट नहीं है, मुझे राइट नहीं है, राइट कि मैं नहीं। आपकी किसी बात से डिसएग्री कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है, आप मेरी किसी कहां से मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया। ये देखिए ये उनका छिछोरा दिमाग था कि उस टॉपिक पर ऐश्वर्या राय आ जाए, ये मुझे समझ ही नहीं आया। वो कह रही है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे मतलब किसी और का नाम लेना था, किसी और का क्यों नाम लेना था ना, मैडम ऐश्वर्या राय का नाम ले सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह, वो मिस वर्ल्ड ना होती, बच्चन साहब की मतलब जिसे कहते हैं कि ग्रैंड डॉटर ना होती, उसके बावजूद भी उसकी रिस्पेक्ट थी, है और रहेगी। और किसी और का भी आप क्यों नाम ले, किसी और फीमेल का आप क्यों नाम ले, प्रोफेशन भी वो आर्किटेक्ट इंजीनियर है, वो बहुत बड़े फैमिली से है। मैं कहता हूँ कि कोई भी है नाजिया, रिस्पेक्ट सबकी होती है, सर रिस्पेक्ट सबकी है, मुझे ये नहीं है राइट कि मैं कहूं कि अच्छा ये अगर बिल्कुल दुनिया के सामने आ करके खड़ा हो गया और इस चीज को कोई भी ढक नहीं सकता है, कोई भी नहीं ढक सकता। नाजिया ऐश्वर्या राय की यकीन करें, मैं मतलब शायद इससे पहले किसी शो में मैं बता चुका हूँ, मैं खुद बड़ा फैन रहा हूँ, मैं उनकी मूवीज और उनके मतलब कुछ मुझे बड़ा पसंद, मुझे बहुत पसंद रही है, लेकिन रिस्पेक्ट उनकी मैं कहता हूँ सबसे ऊपर है। बाकी चीजें हम उनके फैंस हैं या मेरे जैसे और बहुत सारे लाखों नहीं शायद करोड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में आज भी उनकी फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान में होगी, बाकी दुनिया में होगी, लेकिन व्हाट द थिंग इज रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। बाकी चीजें हमें अगर कोई उनकी फिल्म पसंद नहीं है ना पसंद हो ठीक है, कोई मसला नहीं, हमें शाहरुख खान साहब की कोई फिल्म नहीं पसंद तो ना पसंद हो, लेकिन हमें ये नहीं है कि हम जाके शाहरुख खान साहब को गालियां देना शुरू कर देंगे, ये हमें राइट नहीं है। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, और हम मेरे ख्याल में